हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये है सावन सोमवारी का ब्लॉग, जहाँ पर मैं आई हूँ सोमवार के दिन सावन की पूजा करने बालेश्वर मंदिर में जल ठारने। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं, ये जेंट्स की लाइन है जिसमें मेरे हस्बैंड जी लग गए हैं। और जेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी औरतों की लाइन से, और इधर दूसरी तरफ है औरतों की लाइन। तो यहाँ पर देखिए, मैं औरतों की लाइन में लग चुकी हूँ, मैं मंदिर के अंदर एंटर कर चुकी हूँ। और मंदिर के अंदर आने के बाद भी आप भीड़ देख सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो सावन में ना हर सोमवार को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए लाइन लगाकर आना पड़ता है। अदरवाइज़ आप किसी और टाइम में आओगे तो आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, बट सावन सोमवारी में हर मंदिरों में इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। और औरतों की लाइन भी ना बहुत लंबी बाद में हो गई थी, देखिए मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन है। मैं थोड़ा मॉर्निंग में आ गई थी इसलिए यहाँ पर मैं आगे आ गई हूँ। और मेरे हस्बैंड जी की लाइन तो बहुत लंबी थी, मैं पूजा करने के बाद भी देखी, यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ ना, इसके बाद मैं बैठकर वेट कर रही थी, क्योंकि आदमियों की लाइन काफ़ी लंबी थी तो मेरे हस्बैंड जी को आने में आधा घंटा लग गया था। तो मैं बाहर बैठकर उनका इंतज़ार कर रही थी। इसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे घर गए, घर से होकर हम लोग खाना वाना खाकर देखिए अस्पताल पहुँच चुकी हूँ मैं। और अस्पताल में जाने के बाद बाहर भी लंबी लाइन थी जिसमें मैं एक घंटा लगी थी। इसके बाद मैं अंदर आई और मेरा नंबर आया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ सही आया। फिर हम लोग घर आए, घर आने के बाद देखिए मेरे पति देव क्या कर रहे हैं, जॉर्ज को नहला रहे हैं। शाम का टाइम हो गया था और ये इसको नहला रहे थे, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए थे तो इसे कोई नहलाया नहीं था, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड जी इसको नहलाते हैं, इसकी सारी देखभाल यही करते हैं। तो मैं ऊपर छत से शूट कर रही थी और इन्हें चिढ़ा भी रही थी कि आप अभी से एक्सपीरियंस ले रहे हो, काफ़ी केयरिंग बन चुके हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर ब्लॉक काफ़ी छोटा था और नेक्स्ट संडे को मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर टीथ वाला मैंने जो ब्रेसेस अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर कर दी। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरा ब्रेसेस कब निकलेगा, तो मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे बैठे देखिए अपना जो ब्रेसेस वाला था अपडेट, वो आपके साथ शूट करके सोचा शेयर कर दूँगी। बट क्लिप इतनी छोटी छोटी थी कि मुझे समझ में नहीं आया था कैसे शेयर करूँ, तो मैंने सोचा इसके ब्लॉग के साथ ही ऐड कर देती हूँ। तो मंडे के बाद जो संडे आया था ना उसी में मैं गई थी, इसीलिए यही सेम साड़ी मैंने पहनी हुई है। सो मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा ब्रेसेस कब निकलेगा, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर दी थी जिसमें मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मेरा जो ब्रेसेस है डॉक्टर ने बोला है सितंबर में निकलेगा। और देखिए मेरे बगल में भी एक लड़की है, सभी यहाँ पर जितने भी संडे को आपको दिखेंगे ना सबके ब्रेसेस लगे होते हैं, संडे को स्पेशली ब्रेसेस की ही ट्रीटमेंट चलती है। और अगर आप ऐसे कोई इमरजेंसी केस में आता है तो अलग से आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज होती है, क्योंकि हम लोग ब्रेसेस वाली ही आज के दिन आती हैं। और यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा, यार मैं इतने दिन से ब्लॉग शूट कर रही हूँ बट मैंने अपने क्लिनिक का पूरा वीडियो तो कभी लिया ही नहीं। तो देखिए मैं बाहर जब बैठी रहती हूँ ना तो इस तरह से ये क्लिनिक है, अंदर जो आपको इधर पर एक गेट दिख रहा होगा वहाँ से डॉक्टर अंदर की तरफ आप जाएंगी तो अंदर डॉक्टर रहते हैं। और यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेकर अंदर जा पाती हूँ। बट स्टार्टिंग के ब्लॉग में मैंने डॉक्टर से पूछ के कुछ वीडियो शेयर की थी, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं ब्रेसेस किस तरह से लगती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो पूरा आपको मेरे चैनल पे एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिससे आप इजीली से सभी ट्यूटोरियल देख पाएंगे। सो यहाँ पर मैं बैठे बैठे थक गई थी और बस अपनी बारी का वेट कर रही थी। मेरा नंबर आने के बाद हम लोग यहाँ से गए देखिए पेट्रोल पम्प पहुँचे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के बाइक का तेल ख़त्म हो गया था। और यहाँ से हमें सीधे घर जाना था बट धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, और क्योंकि दोपहर का टाइम था, घंटों वेट करने के बाद नंबर आया हुआ था। सो इन्होंने बोला चलो कुछ नाश्ता पानी कर लो, क्योंकि इतना लंबे टाइम तक आपको पता है प्रेगनेंसी में ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सीधे गए मिठाई की शॉप पे, जो रास्ते में ही पड़ती है, ज्योति स्वीट्स बलिया का काफ़ी फेमस ये मिड्ढी के पास एक मिठाई की दुकान है। धूप इतनी तेज़ है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी। और देखिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, हालांकि ये काफ़ी अच्छी खासी दुकान है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आपको खड़े रह के ही खाना है। तो शॉप काफ़ी फेमस है मिठाई के लिए बट यहाँ बैठ के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग खाए रसमलाई, उसके बाद मेरा मन था कि मैं छोले भी खाऊं, तो हस्बैंड जी देखिए यहाँ पर रसमलाई खा रहे थे और इसके पहले ना ये मुझे खिला रहे थे क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। फिर मैंने कहा रुकी मैं आपको भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा कैमरे के आगे आने में शर्माते हैं, तो मैंने शूट करके हंस रही थी, ये हमेशा कहते बंद करो मुझे बत लिया करो।
सो मिठाई खाने के बाद हम लोग ने छोला खाया, इसके बाद हम घर गए और इसी के साथ हमारा ब्लॉग जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत ही छोटा था क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, जितना भी करती हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।